सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी के एक और नए ऑफिशियल अपडेट के बारे में। और दोस्तों आज का जो ऑफिशियल अपडेट है वो रियलमी C15 का है, जो मई 2022 में रियलमी C15 में अपना जो न्यू ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। और क्या क्या है इस अपडेट के अंदर, सब कुछ हम बात करेंगे आगे जाके। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में क्लिक करके रख सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और हम आपको हर एक अपडेट की नोटिफाई कर सकें। सो दोस्तों बिना देरी के देख लेते हैं मई 2022 में रियलमी C15 का न्यू अपडेट, मतलब क्या है न्यू OTA चेंज लॉक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस अपडेट को। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मई 2022 अपडेट फॉर रियलमी C15। और इस अपडेट के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं चेक किया क्या है इस अपडेट के अंदर। आप देख सकते हैं जो मई मंथ का अपडेट है, और आपको ये शायद आज के डेट से आपके फ़ोन में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका जो क्लेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो गया और रैंडमली रोल आउट भी कर दिया है इसे। अब देख लेते हैं इस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि कौन से फीचर्स C15 के अंदर आए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो दोस्तों रियलमी का जो C15 डिवाइस है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक और नया UI वर्शन, जिसके अंदर आपको UI वर्शन देखने को मिलता है RMX 2180 11C.12 अपडेट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के अंदर आपको अप्रैल एंड मई 2022 का लेटेस्ट एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच एंड सिस्टम के अंदर आपको इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस। सो यही कुछ आपको देखने को मिलता है रियलमी C15 के अंदर। अगर बात की जाए तो रियलमी C15 की रियलमी Y 3.0 एंड एंड्रॉइड 12 अपडेट, तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक इसके अंदर आपको रियलमी Y 2.0 एंड्रॉइड 11 का अपडेट ही देखने को मिलेगा, और ये भी एक रियलमी Y 2.0 और एंड्रॉइड 11 बेस्ट ही अपडेट है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जरूर नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा दोस्तों।